इस देश को महामारी के संकट से बचाने का जो बेहतर प्रयास कर रहे हैं आरोग्य कर्मी, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आरोग्य कर्मी है, पैरामेडिक्स है, आशा वर्कर्स है, ऐसे सब लोग दुर्भाग्य से अपने देश में उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा और अनेक जगह पड़ोसी ही सोचने लगे कि वो संक्रमण के कैरियर्स हैं। ये दुर्भाग्यजनक पहलू है, तो इसलिए आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। महामारी के संकट से जूझने वाली योद्धाओं को देश जब उन्हें सलाम कर रहा है, कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें संक्रमण फैलाने वाले समझ रहे हैं और ऐसी हिंसा या त्रासदी नहीं चलेगी, यह देखना पूरे समाज का और इसलिए सरकार का काम है। इसलिए जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है, उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है, उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा, यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और एक साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है, 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया और 50,000 से 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, 50,000 से 2,00,000 रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है।